आप सभी को मेरा बहुत प्रेम से और सादर से नमस्कार। मेरे को जिस विषय के ऊपर आज बोलने के लिए बुलाया है, कोई मैं बोलता बहुत विषय के ऊपर हूँ, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी मैं टैक्स का प्रोफेशनल हूँ, तो प्रिंसिपली प्राइमरीली मैं उसी सब्जेक्ट के ऊपर बोलता हूँ। बट एक चीज जो हमेशा से मन को कहीं ना कहीं एक एक विचार जो आता था, अगर हम अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था को देखें तो ये चीज सामने आती है कि वो हमें बाहरी विषयों का ज्ञान तो दे देती है। बच्चे साइंस पढ़ लेते हैं, मैथ्स पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, जो हमारे जैसे कम समझदार होते हैं वो अकाउंट्स पढ़ लेते हैं, थोड़े बहुत टैक्स पढ़ लेते हैं। और लेकिन मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का? अगर जीवन में चुनौतियां आए तो उसका सामना करना कैसे है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे, मेरे ख्याल से कुछ बच्चे भी, रमेश जी होंगे जरूर, हाँ जी, चाहिए ज्यादातर। तो अगर हम सड़क पर चलते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सड़क पे कोई स्पीड ब्रेकर ना आए। तो एक तो ये कि हम स्पीड ब्रेकर अगर आए और उससे थोड़ा झटका लगे तो एक तो वहीं खड़े हो जाएं और उस स्पीड ब्रेकर को ही देखते रहें, और कुछ तो यूं भी करें कि वो डंडा भी निकाल लें अपनी गाड़ी में से या जिस पे भी हम सवार थे, और उस स्पीड ब्रेकर को भी पीटना शुरू कर दें, और फिर उस आदमी को भी ढूंढना शुरू कर दें जिसने वो स्पीड ब्रेकर बनाया था, फिर उसके घर पहुंच जाएं और उसको पीटें कि तुमने ये स्पीड ब्रेकर क्यों लगाया। ऐसा हम जनरली नहीं करते, मतलब नो वन इज सो इनसेन टू डू इट, बट जीवन में हम अक्सर ऐसा करते हैं। जीवन भी एक सड़क की भांति है, अगर ध्यान से देखा जाए तो जीवन जिस दिशा में आगे लेके जाता है, जो भी जीवन आगे दिशा देता है, हम सब उस पर निरंतर बढ़ते जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम उस जीवन पे आगे बढ़े तो कोई स्पीड ब्रेकर आए ही नहीं। लेकिन जब वो स्पीड ब्रेकर जीवन में आता है तो हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं? क्या हम भी उसी मुसाफिर की तरह जिसने उस स्पीड ब्रेकर को पीटना शुरू कर दिया था, डंडा लेके उसको पहले गालियां देना, फिर डंडा लेके पीटना, और उसके बाद जिसने बनाया, क्या हम उसके पीछे पड़ जाते हैं? या हम उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, और जैसा बहुत बढ़िया गीत शुरुआत में रखा गया, बढ़ना, कि बढ़ना ही अपना काम है, या हम उस दिशा में आगे बढ़ते ही जाते हैं। अभी मैं देख रहा था कुछ स्लाइड्स चल रही थी शुरुआत में, चाणक्य ने कहा कि फेलियर से मत डरिए, जो निरंतरता से आगे बढ़ेगा वो आगे मंजिल पे पहुंचेगा अवश्य। तो जीवन में चुनौतियां आनी ही आनी है। हम सब कभी भी, और मैं स्पेशली उन यंगस्टर्स को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो लोग अपने जीवन के कुछ अगले पड़ाव पर पहुंच गए उन सबको इस बात के बारे में पता है ही, बट कहीं ना कहीं जो हमारा जो यूथ है, हमें जीवन में ये नहीं बताया गया कि इस तरीके की सिचुएशंस भी आएंगी, और जब वो आएंगी तो उन्हें डील कैसे करना है। बिकॉज सिचुएशन आना कोई अजीब बात नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसे डील कैसे करते हैं उस सिचुएशन, हम उसके उसको उसको उस पर रिएक्शन कैसे देते हैं। तो अगर आप इसको इसको हम बहुत से तरीके से देख सकते हैं, हम इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से भी देख सकते हैं, हम इसे प्रैक्टिकल तरीके से भी देख सकते हैं, हम इसे अध्यात्म के नजरिए से भी देख सकते हैं। और हमारा जो आध्यात्मिक या जो हमारी स्पिरिचुअल हेरिटेज है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो हर एक गूढ़ से गूढ़ एस्पेक्ट को डील करती है, वो हर एक टफ से टफेस्ट सिचुएशन का एग्जाम्पल आपके सामने साइट करती है, सो दैट आप उससे ये समझ पाए कि आप उस जीवन के उस पड़ाव के ऊपर डिसीजन को लें कैसे। तो जो समझदार लोग हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक बात कही, और हमारे शास्त्रों ने भी ये हमें सिखाया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि
एक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि उस एक्शन का रिएक्शन हम क्या देते हैं। तो मैं इस बात को रिपीट करूंगा, इसको जब उन्होंने परसेंटेज टर्म्स में इस बात की जब व्याख्या की गई तो ये कहा गया कि एक्शन इज ओनली 3%, यानी मेरे सामने जो परिस्थिति पैदा हुई उसका मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मात्र 3% ही डिसाइड करेगी। वो स्थिति तो सिर्फ 3% ही डिसाइड करेगी, बाकी का 97% ये डिसाइड करेगा कि मैं उस स्थिति के ऊपर रिएक्ट कैसे करूं। तो आप देखिए इसका रेशियो कितना कितना बड़ा, यानी जो एक्शन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, आप उसको रिएक्ट कैसे करते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकर के आता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा, उसके बाद इसकी इसकी थ्योरी में पीछे और जाएंगे और उसको और अपने जीवन के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन आपके सामने रखता हूं जो मेरे सामने आई। एक हमारे बहुत ही सीनियर इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट हैं, एक बारी उनके साथ चर्चा हुई तो उन्होंने मेरे को ये कहा, उनकी जो कंपनी थी उन्होंने एक बारी किसी के डिजाइन्स को चोरी करके ऑर्डर लिया और ऑर्डर को माल सप्लाई कर दिया। ऐसा करते रहे कुछ समय, लेकिन कोई ना कोई दिन तो बात पता चल जाती है कि ऐसे डिजाइन्स चोरी हो रहे हैं। तो डिजाइन चोरी होने के कारण उनके पास जिस कंपनी के डिजाइन्स चोरी हो रहे थे उनका नोटिस आ गया कि जी आप ये जो कर रहे हो गलत है और ये डैमेजेस वगैरह और वो सब लीगल नोटिस आ गया। तो अब उनके सामने एक सिचुएशन थी, वो सिचुएशन को क्योंकि लीगल नोटिस आया तो जाहिर सी बात है वो एक लॉयर के पास गए। कहा लॉयर ने कि मैं एक बार ही तो आपको निकाल लूंगा इस सिचुएशन से, बट सही तरीका इसका ये है कि आप जिसका ये डिजाइन है उसके साथ पहले एग्रीमेंट करिए और डिजाइन का एग्रीमेंट करने के बाद उसके बाद आप बिजनेस करिए। अब वो एक छोटी सी कंपनी थी, तब वो बहुत छोटी सी कंपनी थी जिसके ऊपर ये लीगल नोटिस आया। जब ये बात मैनेजमेंट के सामने रखी गई कंपनी की कि हमारे पास लॉयर से ये एडवाइस आई है, अब आप देखिए आप एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर एक आपने पार्ट डेवलप किया जो किसी और के डिजाइन के ऊपर बेस्ड था, और आज डिजाइन तो छोड़िए आपका बिजनेस क्वेश्चन में आ गया क्योंकि आपको जिस आदमी का था उसका एक नोटिस आ जाता है। तो एक यानी सिचुएशन क्या है आपके सामने, इट्स अ वेरी एडवर्स सिचुएशन, आपका बिजनेस ही क्वेश्चन में आ गया। अब देखिए उन्होंने रिएक्शन कैसे किया उस पर, उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है, हमें इसका तरीका समझना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, अपना एक डेलीगेट विदेश में जिसका डिजाइन चोरी किया था उसके यहाँ भेज दिया और उसको बोला कि जी देखो जो जो तो हमने पीछे किया उसका तो आप हमारे साथ तय कर लो, हमने क्या पैसे आपको देने हैं और आगे के लिए आप हमारे साथ अग्रीमेंट कर लो और हमें समझाओ कि हम ये बिजनेस को और आगे कैसे कर सकते हैं। तो अगर वो कंपनी उस समय 2 रुपए की थी तो आज समझिए कि मान लीजिए वो 2 रुपए से 120 रुपए की हो गई, मतलब इट हैज ग्रोन 60 times, 100 times, 1000 times, कितनी ग्रो कर गई। तो मैं आपको सभी यंगस्टर्स को एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में एक्शन तो बहुत ही एडवर्स था, उनके खिलाफ एक लीगल केस इनिशिएट होने वाला था, लेकिन उसका जो रिएक्शन था उन्होंने उस एडवर्सिटी को पॉजिटिविटी में बदल दिया, उस एडवर्सिटी को कंप्लीटली टर्न अराउंड कर दिया और उसको अपना एक पॉजिटिव बना करके अपनी कंपनी की पूरी ग्रोथ स्टोरी उसके बेसिस पे लिख। और ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं, अगर मैं आपको आध्यात्मिक एग्जांपल्स दूं और बहुत साइंटिफिक, एक्सट्रीमली साइंटिफिक, आपने सुना होगा महाभारत की कथा में कि अर्जुन जब स्वर्ग में जाता है और जब अर्जुन वहां पर नृत्य की कला सीखता है तो जो उनको नृत्य सिखाती हैं वो उन्हीं से कहती है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो अर्जुन एक तर्क दे करके कहता है कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि आप तो फलाना 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 मेरा रिलेशन है आपके साथ। तो वो जो नर्तकी थी उन्होंने उनको उसी समय एक श्राप दिया कि जाओ अब तुम नपुंसक हो जाओगे। और वो जो था अल्टीमेटली जिस समय पे अज्ञातवास हुआ तब अर्जुन को उस
श्राप ने ही बेनिफिट प्रोवाइड किया, तो यानी उन्होंने भी उस एडवर्सिटी को रिएक्ट ना करके पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करके ही वॉज एबल टू यूटिलाइज इट। इसके अलावा मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और भी देना चाहता हूं, बिकॉज एग्जाम्पल से हमको बात और थोड़ी सी ज्यादा समझ में आती। अगर आप हम सब ने रामायण सुनी है, पढ़ी है, हम सबके घरों में रामायण का कुछ ना कुछ जिक्र जरूर होता है। जब भगवान राम को वनवास दिया और उनके वनवास का कारण हम सब जानते हैं, बचपन से हमने जो रामलीला के नाटक देखे उसके अंदर जो सबसे ज्यादा हाईलाइट बात होती थी वो क्या होती थी कि भगवान राम को कैकेयी के कारण, माँ कैकेयी के कारण वनवास में जाना पड़ा। बट जब भी आप उस राम कथा को थोड़ी और डिटेल में पढ़ते हैं तो आप सब क्या चीज एक नोटिस करते हैं कि उसके अंदर एक बात कही जाती है कि जब राम वनवास के लिए जाते हैं तो वो माँ कैकेयी का आशीर्वाद लेकर ही जाते हैं, उनसे नाराज नहीं होके जाते। अगर आज की स्थिति होती तो क्या होता, अगर कोई बेटा लाइट जला देना बस, आज की स्थिति होती तो क्या होता कि कोई ना कोई अपने माँ बाप से लड़ने पहुंच जाता कि तुमने ऐसा कहा क्यों, ऐसा कैसे कह दिया, तुम मुझे वनवास कैसे भेज सकते हो। पर भगवान राम ने उस समय रिएक्ट नहीं किया, ही एक्टेड इन द सेम वे एज ही वॉज एक्टिंग प्रायर टू दैट डे, और उन्होंने तब भी अपनी माँ को प्रणाम किया और वो वहां चले गए। और जब वो वहां गए वनवास के ऊपर, तो सारी की सारी जो रामायण जो उसके बाद लिखी गई, जो रामायण के जो भी अल्टीमेट उद्देश्य था उनके जीवन का, उन्होंने उसको वहां पर जाकर के पूर्ण किया और मानव, संपूर्ण मानव जाति को बहुत से संदेश और बहुत से ज्ञान वहां पर जाकर के दिए। तो ये सारी जो स्टोरीज हैं, जितने भी ये एपिक्स हैं, ये सब हमको रिएक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा हमारे को हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। तो यानी अब मैं अब खुद ही एक और प्रश्न आगे रखता हूं, क्योंकि हम लोगों का आज विषय क्या है, हाउ टू डील विद सिचुएशंस इन लाइफ। और जब हम सिचुएशंस की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता हम में से जितने भी लोग, अगर जीवन अच्छा चल रहा हो, और जीवन अच्छा तो छोड़िए एवरेज भी चल रहा हो, तो हम कोई बहुत, हमारे मन में कोई विचार नहीं आते कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे मन में विचार कब आता है, जब हमारे जीवन में कोई एडवर्सिटी आए, जब कोई नेगेटिविटी आती है, उस समय पर हमारे मन में कुछ विचार इस प्रकार के पैदा होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो जिसको मैंने अपने शुरुआत के रेफरेंस में स्पीड ब्रेकर्स बोला। मैं उस बात को भी थोड़ा और इलैबोरेट करूंगा कि मैंने उसको स्पीड ब्रेकर ही क्यों बोला। तो जब जीवन के अंदर कोई भी ऐसा एक्शन आए जिसे हम प्राइमा फेसाए एडवर्सेरियल मानते हैं, एडवर्स मानते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं यार ये बहुत पॉजिटिव नहीं है जो हमें समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छा सा कुछ नहीं हो रहा है, तो उस समय पे, उस समय के ऊपर हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये बात हमारे को बार बार हमारे जो एपिक्स है वो बार बार हमारे ध्यान में डालते हैं कि नहीं, ये जो स्थिति तुम्हारे सामने है इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम इस स्थिति के ऊपर रिएक्ट कैसे करते हो, तुम इसके ऊपर क्या एक्शन अपना डालते हो, तुम इसके ऊपर, अगर मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो आप इसके साथ उसके बाद अपने इमोशंस को किस प्रकार से पैदा करके और एक्शन करते हो, क्योंकि सारा कुछ जो मैं, जो भी मैं हूं और जो भी मैं क्रिएट करता हूं वो मेरे इमोशंस से ही क्रिएशन होता है। तो जो सबसे पहला मैसेज मैं देना चाहता हूं वो ये कि कभी भी कोई चीज दिखने में जो एडवर्स आए तो हमें रुक के और ये सोचना, हमेशा गंभीरता के साथ एक विचार हमेशा करना चाहिए कि क्या हम वो बनना चाहते हैं जो स्पीड ब्रेकर को रुक के देखना लग जाए, क्या हम उससे भी ज्यादा वो बनना चाहते हैं जो स्पीड ब्रेकर की पिटाई शुरू कर दे, क्या हम उससे भी ऊपर जाना चाहते हैं कि जो स्पीड ब्रेकर जिसने बनाया उसकी पिटाई शुरू कर दे। जब मैं ये बोलता हूं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, मान लीजिए कि आपके
जीवन में कोई परेशानी खड़ी हुई, उसका माध्यम कोई व्यक्ति बना, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई स्थान तो बनेगा। बहुत से लोगों ने तो बिल्लियों को ही अपना माध्यम बना लिया कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया इसलिए ऐसा हुआ। ऐसे बहुत से अलग अलग हमारे हमारे समाज में इस प्रकार के कुछ विचार पैदा हुए, जहां पर हमने ना ये ना समझते हुए कि वास्तव में ये हुआ क्या और इसका क्या हमें एक्शन होना है, उसके ऊपर हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि अच्छा आप बिल्ली को ही पकड़ लो, वो करने की, क्या हम वो बनना चाहते हैं या हम उसके रुक कर ठहर के दो मिनट विचार करें कि क्या स्थिति हमारे सामने आई है और क्या इसके बाद किस प्रकार से हम एक्शन लें कि ये जो एडवर्सिटी मेरे जीवन में आई, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया उस कंपनी को लीगल नोटिस दिलवाया, तो क्या मैं इसको अपॉर्चुनिटी में बदल सकता हूं। तो अब आप एक और चीज देखिए, जैसे मैं आपको एक, एक, एक इसी का थोड़ा प्रेजेंट सर्कमस्टेंस में थोड़ी सी बात में इसके ऊपर आगे बढ़ाता हूं। आज हम सब एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, बहुत बहुत खराब हो रहा है, मतलब इसके बहुत से नेगेटिव इंपैक्ट्स हो रहे हैं। वी आर लूजिंग मेन, वी आर लूजिंग मटेरियल, वी आर लूजिंग हेल्थ। लेकिन क्या इस एडवर्सिटी के अंदर कोई पॉजिटिविटी हो सकती है? क्या हमने कुछ प्राप्त किया इस एडवर्सिटी से और क्या हम और कुछ प्राप्त कर सकते हैं? तो मैं एक छोटा सा आपको जरूर एग्जांपल देना चाहूंगा कि क्या आज से सवा साल पहले ऐसा होता था कि 40-45 लोग अगर एक जगह पे मिलना चाहें तो वो आकर के और अपने ही घरों से कनेक्ट होके एक दूसरे से मिल सकें? क्या ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है? और क्यों हम बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को ही एक्नॉलेज करें, क्यों ना हम छोटी छोटी अच्छी बातों को भी एक्नॉलेज करना शुरू कर दें? तो एडवर्सिटी के अंदर जब हम एक पॉजिटिविटी को देखना शुरू करते हैं तो हमारे देखने के नजरिए ही बदल जाते हैं। तो सारा अगर आप अपने जीवन को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सब कुछ हमारा देखने का नजरिया ही डिसाइड करता है। मैं आपको देखने के नजरिए के ऊपर एक थोड़ी सी और एक एग्जांपल देता हूं, हमारी यूथ उससे बहुत कनेक्ट कर पाएगी। अगर आज सडनली इलेक्ट्रिसिटी चली जाए और एयर कंडीशनर बंद हो जाए तो बहुत से लोग हाहाकार मचा देते हैं, कोहराम मचा देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, हम सबके घरों में भी हैं और हम सब ऐसे प्राणियों से मिले हुए हैं, हम सब में से भी बहुत से ऐसे होंगे जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातों के ऊपर भी हम कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत पर्टर्ब्ड कर लेते हैं, बहुत बहुत व्यथित व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको मन का भाव बता रहा हूं कि मन रिएक्शन से कैसे फर्क आता है। लेकिन यही यूथ जिसको एक मिनट एसी बंद करने से भी तकलीफ हो सकती है, वो अपने लेजर के लिए आज कहां जाना चाहता है? उन दूर दराज की जगहों पे, वहां जाकर ट्रैकिंग करना चाहता है जहां पर पानी पीना के लिए भी मिलना मुश्किल हो, जहां पर रहने के लिए जगह भी ना हो, वहां तंबू गाड़ के रहना पड़े। लेकिन वहां पर हमें आनंद क्यों आता है? क्योंकि हमारा भाव जो है, हमारा रिएक्शन जो है उस घटना के प्रति, वो हमने अपना उसको रिएक्शन क्या बनाया कि यस आई एम पॉजिटिव टुवर्ड्स दैट एनवायरमेंट, जो वहां पर एनवायरमेंट है। तो आप देखेंगे सेम सिचुएशन है, यहां पर जरा सा अभाव हुआ मेरा रिएक्शन है नेगेटिव, वहां पर जरा सा अभाव है तो मैं पहले ही इस बात को एक्सेप्ट कर चुका हूं कि ये मेरा एडवेंचर है। और जैसे ही वो हुआ, आपके जरा सा मन का भाव बदलने से, जरा सा रिएक्शन बदलने से आपका जो रिजल्ट था वो कंप्लीटली चेंज होना शुरू हो। अब इसको थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे लेकर चलते, ये तो रिएक्शन की बात थी। एक छोटा सा मैं आप लोगों को, जितने भी मेरे यूथ यहां बैठे हुए हैं, सभी सीनियर्स को प्रणाम करते हुए मैं आप सबके साथ एक छोटा सा कंसेप्ट शेयर करना चाहता हूं जो मैंने अपने गुरु से समझने की कोशिश करी और जिसकी मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हम उसको आगे बढ़ बढ़ के सीख सकें।
जैसे ही मैं इस बात को जानने की कोशिश करता हूं कि कोई स्थिति मेरे सामने क्यों आई, तो मैं उस इस प्रश्न का जवाब देने से पहले, आप सारे जितने भी यूथ यहां बैठा हुआ है, जितने भी मेरे स्टूडेंट ब्रदर्स यहां बैठे हुए हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं। अगर आपने आम का बीज बोया या आम की पौध रोपी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या आएगा उसमें से? कोई आप अनम्यूट करके भी जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं कि अगर आपने आम की पौध रोपी तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि व्हाट विल यू बी? है जी सर, आम। आम। और अगर आपने जामुन की पौध लगाई तो क्या मिलेगा आपको? सर जामुन। और अगर आपने भिंडी लगाई तो क्या मिलेगा? सर भिंडी का तो लगा ही नहीं सकते। क्यों? भिंडी। अच्छा सर, भिंडी। बिल्ली और बिल्डिंग सुन रहा था। कोई बात नहीं, भिंडी का लगाया तो क्या मिलेगा? सर भिंडी का लगाएंगे तो भिंडी ही मिलेगी। तो आज अगर मैं भिंडी का बीज लगाता हूँ तो भिंडी मिलती है, आम का लगाता हूँ तो आम मिलता है, आगे जाके जामुन का लगाता हूँ तो जामुन मिलता है। तो आज जो लगाता हूं उसका जो भी फल प्राप्त होता है वो बाद में होता है, और जो आज प्राप्त हो रहा है इसका मतलब उसका बीज पहले लगा था। आज जो आम खा रहे हैं उसका बीज आज नहीं लगा, वो पहले लग चुका है। तो हम सबको एक एक्सप्लेनेशन को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना होगा, और वो एक्सप्लेनेशन ये है कि जो हमारे कर्म का सिद्धांत हमारे सनातन में बताया गया, अगर हम उसको थोड़ा सा आत्मसात कर लें तो हमारे बहुत से प्रश्नों का हल हो जाता है। और केवल प्रश्नों का हल नहीं होता, प्रश्नों का हल होने के साथ साथ हमें मार्ग भी प्राप्त होता है, क्योंकि थ्योरी ऑफ कर्म, बहुत से लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं। वो कर्म के सिद्धांत को समझते हैं कि कर्म का सिद्धांत प्रारब्ध डिफाइन कर देता है, और जब प्रारब्ध डिफाइन हो गया तो मुझे उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। जो कर्म का सिद्धांत है वो दो बातें करता है, एक तो वो आपको बताता है कि आप जो भी प्राप्त कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, प्लस वो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताता है कि आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो कैसे करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आज मैं हूं, अगर मैं आम हूं तो मेरा बीज पता नहीं कितने वर्षों और कितने जन्मों से मैं बोता आया हूं कि मैं आज जो हूं वो हूं, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैं कल क्या होऊंगा इस पर मेरा पूरा कंट्रोल है। तो बच्चों, मैं आपको ये बात बहुत ज्यादा एक एम्फेसिस के साथ हम लोग जो बोलते हैं वो कहना चाहूंगा कि आज जो मैं हूं वो एक्शन है, और उसके लिए मैंने आपको एक इजी सी टिप दी कि आप रिएक्ट कैसे करें, उससे वो जो मैं हूं वो बदल सकता है। और जो मैं कल होना चाहता हूं, अगर मुझे कल आम होना है तो मैं आज से आम के बीज लगाने शुरू करूं, अगर मुझे कल जामुन होना है तो मैं आज से जामुन के बीज लगाने शुरू करूं। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे को जीवन में क्या बनना है, जब मैं आज इसकी विजुअलाइजेशन शुरू करता हूं, जब मैं आज इस बात का डिसीजन करता हूं, और जब उस दिशा में मैं अपने कर्म को, अपने मन को जब उस दिशा में लेकर के आगे बढ़ता हूं, तो धीरे 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 स्टेप करके मैं उस आम के वृक्ष को पैदा करके कुछ समय के बाद उन आम को की फसल को मैं प्राप्त कर सकता हूं। तो हम लोगों को अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग इस बात पे एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ जो हमारे गुरु ने हमें बहुत बार समझाई कि एक बार एक बालक साइकिल चलाते चलाते कहीं खेतों में खो गया। अब उसको रास्ता नहीं समझ में आया,
उसको रास्ता नहीं समझ में आया कि मैं कैसे अपने घर लौटूं। तो वहां पर एक वृद्ध राहगीर जा रहे थे, उस बालक ने वहां अपनी साइकिल रोकी और उन वृद्ध राहगीर से पूछा कि बाबा ये सड़क कहाँ जाती है। तो वो राहगीर ने बोला कि बेटा जहां तू जाना चाहता है ये सड़क तुझे वहीं ले जाती है। तो क्वेश्चन बच्चों ये नहीं है बिल्कुल भी कि आज मैं कहां हूं, क्वेश्चन सिर्फ एक है कि मैं जाना कहां चाहता हूं। और जब मैं ये डिसाइड कर लेता हूं कि मैं कहां जाना चाहता हूं, तो अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी चेतना, अपना भाव, जब सब कुछ मैं उस राह के अंदर डाल देता हूं, तो मैं डेफिनेटली वहां पहुंच जाता हूं जहां मैं जाना चाहता हूं। अभी थोड़ी शुरुआत में जो स्लाइड चली हुई थी उसमें बहुत अच्छी बात स्वामी विवेकानंद ने कही, वो बहुत पहुंची हुई सोल थे। इनफैक्ट जो संत होते हैं हम उनको थे तो कहते ही नहीं है, वो तो ओमनी प्रेजेंट है। तो उन्होंने कहा कि यू आर इनफाइनाइट। हमें लगता है कि हम ये जो शरीर है एक बोल रहा है, हिल रहा है, ये मैं हूं, पर सच्चाई ये है कि मैं ये नहीं हूं। मैं तो इससे बहुत ही ऊंचे की अवस्था हूं और मैं जो भी पैदा करना चाहूं, हमारा सनातन ये हमें पूरी राह देता है। केवल ये नहीं बताता कि आप पहुंच सकते हो, वो कंप्लीट इसका पूरा ज्ञान देता है। और उस ज्ञान की जो पहली जो सीढ़ी है, वो पहली सीढ़ी यही है, वो प्रश्न अपने आप से करने को बोलता है कि तुम चाहते क्या हो। जो गुरु ने अपने शिष्य से प्रश्न किया कि तुम चाहते क्या हो, और वो जो तुम चाहते हो, अगर जब भगवान विवेकानंद, जब स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु से कहा, आप सबको बच्चों मालूम है कि कौन थे उनके गुरु स्वामी विवेकानंद के? मैम श्री हरिद्वास जी। हाँ जी सर, श्री हरिद्वास जी। बेटा रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, और जब स्वामी विवेकानंद उनको बार बार कहते थे मेरे को आप दीक्षा दीजिए, तो एक बार स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस गंगा जी, क्योंकि जो रामकृष्ण परमहंस जी थे वो गंगा जी के किनारे मंदिर में उनका वास था, काली मंदिर में, वो अभी भी है, बहुत खूबसूरत जगह, आप सब जाइए वहां पे बच्चों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहां पे अभी भी जहाँ स्वामी रामकृष्ण जी साधना करते थे, उस कमरे में बहुत से साधक मिलेंगे और वो बहुत हाई एनर्जी वाली प्लेस है, आपको बहुत मजा आएगा। जी, बताना कौन सा प्लेस बता रहे हो आप? ये कलकत्ता में थे जी, रामकृष्ण परमहंस, माँ काली का मंदिर, दक्षिणेश्वर काली जिसको बोलते हैं, वो स्थान था रामकृष्ण परमहंस का, गंगा जी के किनारे भी, तो गंगा जी के किनारे पर है वो, बहुत ही मतलब बहुत ही सिद्ध स्थली है वो, काली मंदिर, काली मंदिर, हाँ उसको दक्षिणेश्वर काली बोलते हैं, दक्षिणेश्वर का। तो जब वो वहां पर गए तो उन्होंने उनको बोला कि गुरुदेव आप मेरे को सिखाते ही नहीं है, और बिल्कुल नाराज हो गए उनसे कि आप तो मुझे ज्ञान ही नहीं देते। तो उनको जब गंगा जी में ले गए रामकृष्ण परमहंस जी, तो वो उनको उनका उन्होंने परमहंस जी ने उनकी गर्दन पकड़ के वो पानी में डुबो दिया स्वामी विवेकानंद, और विवेकानंद तड़प रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे हो रहे हैं अंदर पानी में, आप सोचिए कि अगर आपको कोई पानी में डाल दे। और उसके बाद कोई समझिए कि 30-35 सेकंड के बाद या 40 सेकंड के बाद उन्होंने अलाउ किया कि विवेकानंद बाहर आ जाए पानी से। तो उस समय पे वो विवेकानंद नहीं थे, वो नरेंद्र थे। तो जब वो वापस आए तो कैसे सांस लिए, ऐसे करके सांस लिए, पूरा सांस, और फिर सांस लिए। तो अब उन्होंने उनसे पूछा, भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद से, जब अंदर थे तो सांस लेने की इच्छा हुई थी? तो विवेकानंद नरेंद्र ने बोला हाँ जी हुई थी। कितनी हुई थी? कि सिर्फ सांस ही लेने की इच्छा थी और कोई इच्छा ही नहीं थी। तो तब भगवान रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि जिस दिन उतनी इच्छा होगी उस दिन मैं तुमको वो भगवत प्राप्ति का ज्ञान प्रदान करूंगा। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे शास्त्रों में या हमारे सिद्धों की कहानियों में जीवन का संपूर्ण दर्शन है। तो जो प्रथम सीढ़ी अपने जीवन को अच्छा बनाने की है, अपने जीवन को
मीनिंगफुल बनाने की है वो ये डिसीजन करना है कि मैं चाहता क्या हूं। मैं आपको बच्चों और एग्जांपल देके समझाता हूं, कभी कभी हम इजी एग्जांपल से बहुत जल्दी समझते हैं। मान लीजिए कि आपको कलकत्ता जाना है, आप आज दिल्ली में बैठे हैं और आपको कलकत्ता जाना है, तो क्या आप घर से बाहर निकलेंगे, किसी भी सड़क पे चल देंगे, फिर कहीं चलते जाएंगे, फिर कहीं रुक जाएंगे? ऐसा तो नहीं होता ना। आप क्या करते हैं, सबसे पहले मन में एक इच्छा पैदा करते हैं कि मेरे को कलकत्ता जाना है, उसके बाद उसका रूट नेविगेशन तय करते हैं कि मेरे को कैसे कलकत्ता जाना है। तो वो आपने जब एक बार तय कर लिया, उसकी आप टिकट बुक कराते हैं, उसमें वो बैठ जाते हैं, एंड देन यू रीच द डेस्टिनेशन। तो ये जो एक पद्धति है या ये जो एक डिसीजन मेकिंग का सिस्टम है, ये केवल कलकत्ता जाने के लिए नहीं है, ये जीवन के अंदर भी जहां हमें पहुंचना है उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम सबसे पहले इस बात का विचार करें कि मैं अपने जीवन से चाहता क्या हूं। और जब मैं उस चाहने को डिसाइड कर लेता हूं, तो मैं क्या करता हूं, उसके बाद मैं ये डिसाइड करता हूं कि मुझे वहां कैसे जाना है, मैं कितना प्राइस पे करने के लिए तैयार हूं। क्या मैं एयर फेयर देने को तैयार हूं, मैं रेल फेयर देने को तैयार हूं, या मैं बस का फेयर दूंगा, या मैं बैलगाड़ी का फेयर दूंगा, और जितना फेयर दूंगा उतनी ही फास्ट स्पीड से पहुंचूंगा। तो जीवन के अंदर वो फेयर क्या है, आपकी मेहनत, आपकी सही दिशा में की हुई मेहनत। और वो मेहनत जब हम करते हैं और उसके साथ जब अपने भाव को जोड़ते हैं, जब अपने इमोशन को जोड़ते हैं, जो नरेंद्र ने किया था सांस लेते वक्त, उनका इमोशन पूरा का पूरा सिर्फ सांस में ही था। जब हम उस सांस के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, जब हम भाव के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो हमारे लिए उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। हमें सबसे ज्यादा क्या समझना है अब इस समय पे, हमारे सिद्धों ने, हमारे सनातन ने, हमारे एंशिएंट एजुकेशनल सिस्टम ने हमको सिखाया कि जो थ्योरी ऑफ क्रिएशन है, कि हम चाहते क्या हैं, उसे पैदा कैसे किया जाए, जब उस थ्योरी को उन्होंने सिखाया तो उन्होंने कहा कि तुम मानव हो। मानव यानी आप बच्चों एक बात की ध्यान रखिएगा आप, कि मानव जो है वो एकमात्र जीव है पूरे ब्रह्मांड में जिसके पास कर्म करने की आजादी है। यानी आप कलकत्ता भी जा सकते हैं, बॉम्बे भी जा सकते हैं, यू कैन बी अ वेजिटेरियन, यू कैन बी अ नॉन वेजिटेरियन, यू मे डिसाइड टू स्टडी, यू मे डिसाइड नॉट टू स्टडी, यू हैव द पावर टू डिसाइड। बाकी सारी जो योनियां हैं वो भोग योनी है। यानी अगर आप शेर हैं तो आप जानवर को खाएंगे, अगर आप बकरी हैं तो बकरी घास ही खाएगी और वो उतना ही कार्य करेगी, उसके तीन चार कार्य फिक्स हैं। मानव, उसको कर्म करने का अधिकार है और वो जो कर्म करता है उसके साथ मन भी जुड़ा होता है। तो जब एक मानव अपने मन से कार्य को करता है, जब भाव से कार्य को करता है, और जब उस भाव को जोड़ के उसमें ईश्वर को इन्वोक करता है, तो वो जो शक्ति पैदा होती है उससे क्रिएशन बहुत फास्ट होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पे जब विद्या प्रारंभ की जाती है, जब बच्चा पहली बार पढ़ता है, तो वो उस समय फेस्टिवल मनाया जाता है, उस समय उत्सव मनाया जाता है। क्या बात का, कि बच्चे ने पहली बार कुछ अक्षर का ज्ञान लिया, तो वो इतना उसको इतना एनर्जी को एक्सटेंड कर दिया जाता है, उसको इतना एक्नॉलेज करते हैं हम लोग, हम उस देवी शक्ति का ऐसे आह्वान करते हैं कि वो आह्वान हो, मेरा भाव उसके साथ जुड़े और वो आगे मार्ग को प्रशस्त करता चला जाए। यही थ्योरी ऑफ क्रिएशन है। तो यानी सबसे पहला तुम चाहते क्या हो, दूसरा उस चाहने के साथ अपनी भावना को जोड़ना, क्योंकि मानव मन, अगर मेरे को कुछ क्रिएट करना है तो मुझे अपने उसको उसके साथ भाव को जोड़ना है, और जब मैं उसको जोड़ता हूं तो मैं डेफिनेटली वहां पहुंचता हूं, और वहां वो कर्म जो होता है, वो जो कर्म होता है, वो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि आप योग की स्थिति में कर्म को करना, योग की स्थिति में यानी मैं जुड़ा हुआ हूं उससे, और जुड़ते हुए जो मैंने डिसाइड किया उसको ही समर्पित करके उसको कहता हूं कि हाँ जी मैं आपके साथ हूं, आपके सामने मैंने अपनी बात रख दी और मैं पूरी मेहनत के साथ इस कार्य को कर रहा हूं, इसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं, आपको करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर बीज आम का बोया तो आम तो लगेंगे ही लगेंगे,
अगर बीज अमरूद का बोया तो अमरूद लगेंगे ही लगेंगे। अगर हमने सोच लिया कि हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और हमने उस तरफ दिशा बढ़ा दी और भाव जोड़ लिया तो वो हमने बनना ही बनना। ये हमारी कर्म की पूरी एक सिस्टम है। ये हमारे जीवन को जीने के लिए हमें आज से अपने जीवन को ये बनाना है कि यस मैं ये चाहता हूँ, मेरे को इसके साथ जुड़ना है और मैं इस कार्य को करूंगा। अब मैं वापस उस स्पीड ब्रेकर पे आता हूँ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और आई थिंक आज की बात में यहीं पर ही फिर उसके बाद कोशिश करूंगा खत्म करने की। कि हम कई बारी किसी एक परेशानी से, थोड़ी सी कोई परेशानी हो या बड़ी सी परेशानी, जैसा मैंने बोला ये भी मेरे ही सोचने का एक तरीका है कि वो कितनी बड़ी है, लेकिन हाँ कुछ चीजों को हम वैसे भी बड़ा मानते हैं, कुछ चीजों को छोटा भी मानते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कुछ ये समझाने के लिए। दो छोटी छोटी कहानियां आपको पहले सुनाता हूँ, फिर इस बारे में कुछ बात करता हूँ। मेरे ध्यान में जो आपको बोलते बोलते जो दो कथाएं आई वो मैं आपको सुना। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े बहुत नामी संत हुए हैं, उनका नाम था स्वामी योगानंद परमहंस। उनके जो पिता थे वो रेलवेज में काम करते थे अगर मुझे सही याद है, और बड़े शांत किस्म के वो व्यक्ति थे और वो हर रोज अपनी काम पे समय पे जाके समय पे आते थे, बड़े अच्छी तरीके से अपने कार्य को करते और परिवार था, पत्नी थी। स्वामी परमहंस योगानंद जी लिखते हैं, उनके पिता उनकी माता परमहंस जी, तो ऑफ कोर्स ही वाज अ सन्यासी, बट उनके पिता जो थे वो गृहस्थी थे। एक दिन ऐसा आया कि लंबे समय साथ रहने के बाद उनकी माता जी का देहांत, तो परमहंस जी लिखते क्या है, वो लिखते हैं कि मेरे पिताजी ने मेरी माता जी की अंत्येष्टि करी और अगले दिन वो फिर ऑफिस पहुंच गए। इसे बहुत सीखने वाली बात है। मैं आपको एक कथा और सुना। जब रामकृष्ण परमहंस बड़े प्रेमी थे और वो उस समय की बात है जब हमारे यहाँ अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेज हमारे यहाँ पे हुकूमत करते थे, ब्रिटिश राज था, तो बहुत से लोग और भी अज्ञानताएं भी बहुत थी, तो जब रामकृष्ण जी के पास लोग पहुंचते थे तो उन्हें यूथ को बहुत अच्छा लगता था, उनसे जब ज्ञान की बातें करते थे। और कोई भी सेल्फ रियलाइज्ड मास्टर की आप जब प्रेजेंस में होते हैं तो उसकी एक अलग ही ऑरा होती है। तो वो वहां पर एक दिन एक व्यक्ति बहुत बिलखता हुआ रोता हुआ पहुंचा। वो एक समझिए कि एक वो चल रही थी गोष्ठी, रामकृष्ण जी सबको कुछ बता रहे थे जैसे वो रोज बताते थे। सडनली उनका एक जो रोज आने वाला व्यक्ति था वो बहुत रोता बिलखता पहुंचा वहां। उसने कहा आज मेरा बेटा जो है वो बहुत यंग एज में चला गया, बहुत रोया, बहुत रो रहा था। अब देखिए रिएक्शन देखिए कि जो रामकृष्ण जी ने उसको जो मैसेज दिया, तो रामकृष्ण खड़े होकर नाचने लग गए। परमहंस थे, बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने जीवन में अद्वैत का बहुत ज्ञान दिया और ये मैसेज दिया कि आपको शायद मालूम होगा रामकृष्ण परमहंस जी ने जब भगवत प्राप्ति का मार्ग पे आगे बढ़े तो वो क्रिश्चियनिटी से भी गए, वो वेदांत से भी गए, अद्वैत से, वो डुअल माँ की जो मूर्ति पूजा से भी गए और वो सूफिज्म से भी उन्होंने उसको अचीव किया। और लास्ट में आके रामकृष्ण जी ने कहा कि सब सेम है, सिर्फ मार्ग भिन्न है। उस प्रकार का एक संत, उसने जब खड़े होकर बच्चों से उस व्यक्ति से ये बताया, वो नाचने लग गए। वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरा बच्चा मर गया और वो नाचने लग गए, और उन्होंने बोला कि तुम नाच क्यों रहे हो, सबने पूछा उनसे कि इसका बेटा मर गया। वो बोला कि जब मैं उधर देखता हूं तो वो जो संसार इधर शरीर छोड़ के गया वो वहां बहुत प्रसन्न है जिस संसार में वो गया, ऐसा उन्होंने इस प्रकार से बताया। तो मैं आपको वो रिएक्शन वाली जो बात थी उसी के ऊपर ये बात, दो कथाएं ये आपको बताना चाह रहा हूं। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि जिससे मैं आज कह रहा था कि आज बात को खत्म करना चाहूंगा। जब भी कोई परेशानी हमारे जीवन में आती है हम लोग क्या गलती कर जाते हैं, आप लोग इस बात को जाकर एक होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा, एनालाइज करिएगा, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति यहां नहीं बैठा हो सकता जो ये कह दे कि मेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं। एक बार एक
यंग लड़की वो भगवान बुद्ध के पास पहुंची और उसने बोला कि बहुत दुखी थी वो, उसका छोटा सा बच्चा वो प्राण त्याग दिए थे उसने, तो उसने बोला कि इसे जिंदा कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने बोला कि मैं इसे पक्का जिंदा कर दूंगा। इस पूरे गांव में घूम के एक ऐसे घर से चार दाने चावल ले आओ जिसके घर में कभी मृत्यु ना हुई, जिसने मृत्यु का मुंह देखा ही ना हो। वो पूरे गांव में घूमी और चार दिन बाद जब लौटी तो वो शांत थी। तो वही स्थिति इस संसार के हर व्यक्ति के साथ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो और बड़े लोग हो, सबके जीवन में है। तो मैं एक छोटा सा होमवर्क अपने यंगस्टर फ्रेंड्स को देना चाहता हूँ कि जब आप वापस जाएं तो जरूर सोचिएगा कि जीवन में कितनी परेशानियां हैं, लेकिन उसके साथ एक चीज नोटिस करिएगा और लिखिएगा कि वो परेशानियों के साथ कितनी अच्छी चीजें हैं। तो आप ये पाएंगे कि 100 अगर जीवन के अंदर चीजें हैं तो उसमें किसी के जीवन में एक, किसी के जीवन में दो, और किसी में बहुत करेंगे तो 3 परेशानियां आएंगी। यानी जो रेशियो मिलेगी गुड टू बैड की, जो जीवन में अच्छा हो रहा है, जो सुचारू रूप से चल रहा है, वो बहुत हाई होगा, और जो वो नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इवेंट्स होंगे वो 3-4-5% टाइप्स होंगे। तो क्या हम अपना ध्यान इन 3-4 के ऊपर ले जाएं स्पीड ब्रेकर के ऊपर, या जो इतनी बढ़िया 100 किलोमीटर की रोड है जिसमें 10-5 स्पीड ब्रेकर है उसके ऊपर रखें? तो क्या हम अपने माइंड के जो जो फोकस है, जो मेरा ध्यान है, क्या मैं उसको इस तरफ ले जाऊं कि मेरा एसी बंद हो गया, या मैं उसको एडवेंचर की तरह ले सकता हूं? तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोल सकते हैं, एक बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो क्या हम अच्छे को लिख के उसको अक्नॉलेज कर सकते हैं, और क्या जो खराब है, जिसको मुझे लग रहा है खराब, क्या मैं उसका रिएक्शन बदल के उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और क्या जो नेगेटिव जीवन में आया, क्या मैं अपने आप को उसका जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ किसी और को ठहराने की बजाय? क्योंकि कर्म के सिद्धांत के हिसाब से जो आज मैं काट रहा हूं वो मैंने ही बोया था, और उसके बाद भी क्या मैं ये कह सकता हूं कि यस, इससे मैंने क्या लेसन लर्न किया। तो मैं इन 4 बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं कि जब जीवन के अंदर हम शाम को जब बैठे तो हम अपने सामने एक बैलेंस शीट बनाए नेगेटिव्स की और पॉजिटिव्स की, बट बड़ी ईमानदारी के साथ एक्नॉलेज करें पॉजिटिव्स को, प्रसन्न हो, खुश हो पॉजिटिव्स के ऊपर, धन्यवाद दें, धन्यवाद हमारे जीवन का एक बहुत ही बड़ा मूल है, बहुत पावरफुल है, बिकॉज इमोशन जुड़ गया आपका इमोशन, थैंक्स गिविंग। वो जब किया, अब जो नेगेटिव साइड है उसके ऊपर देखिए मैंने कितना अपने मन को जब बदला, कैसे बदला, मैंने रिएक्शन बदला। रिएक्शन कैसे बदला, मुझे साइंस पता है कि ये जो हुआ है ये तो मेरे ही कर्म के कारण पैदा हुआ, किसी और के कारण तो हो ही नहीं सकता, ये मेरे ही कर्म के कारण हुआ। रिएक्शन बदला, जैसे ही इस बात को सोचा तो रिएक्शन बदला, और जब रिएक्शन बदला तो उसकी टुवर्ड्स जो इमोशन नेगेटिव था अब वो इमोशन पॉजिटिव होना शुरू हो गया, और जब पॉजिटिव इमोशन के साथ जो मैं चाहता हूं उसको जोड़ा तो मैं वो वापिस प्राप्त करना शुरू किया, और जो नेगेटिव सामने आया उससे मैंने जीवन में कुछ लेसन लर्न किया कि हाँ ये कुछ चीज ऐसी है जो मुझे आगे से इस बात का और ज्यादा ध्यान रखना है। हम कई बार ऐसा होता है कुछ कटु वचन कह देते हैं और अल्टीमेटली तो कहीं से उसका रिएक्शन आता ही है, और अगर वो रिएक्शन आने के बाद आपने भी उसको काउंटर रिएक्ट किया तो हो सकता है झगड़ा हो जाए, बट काउंटर रिएक्ट करने के बजाय आपने अगर जरा सा कह दिया कि हाँ मैंने उस दिन ठीक से शायद नहीं बोला था, आज मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं ध्यान रखूंगा इस बात का, तो आप भी हल्का महसूस करेंगे और सामने वाले का रिलेशन शायद आपसे और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो जाए। तो इसीलिए बच्चों परेशानियों से घबराना नहीं है, दे आर मियरली स्पीड ब्रेकर्स विच हैज कम टू इम्प्रूव यू, दे आर मियरली दोज लेसन्स इन लाइफ विच यू आर डिस्टाइंड टू लर्न, लर्न देम एंड मूव अहेड।
यू विल डेफिनेटली रीच टू योर डेस्टिनेशन इफ यू हैव डिसाइडेड व्हाट योर डेस्टिनेशन इज. बट अगर एक लकड़ी का लट्ठा मैं समुद्र में डाल दूं जिसको पता ही नहीं कहाँ जाना है तो वो कहीं नहीं जाएगा. इसलिए जरूर डिसाइड करें कि तुम चाहते क्या हो. तो इसी के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ संघ का, संघ की शाखा का, जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया. रमेश जी आपने मुझे मौका दिया एक बड़े मन से जुड़े हुए टॉपिक के ऊपर बोलने का.